गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फिजिकल वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम देख रहे हैं फिजिक्स के क्या क्या इन्वेंशन होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं और उन फोर्स को क्या हम यूनिफाई कर सकते हैं, क्या उसे एक रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्लास की शुरुआत इस वीडियो के साथ। तो आज हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पढ़ेंगे कि नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। चलिए देखिए, अब हमने नेचर में डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को देखते हैं, बहुत सारे टाइप के। बोले सर कौन कौन से हैं, तो ये देखिए कुछ एग्जांपल। कुछ हैं ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले अपन ने फोर्स देखा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, तो हमने देखा कि सर जैसे हम इसे छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जाकर गिरता है। तो ये क्या है कि सर अर्थ इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स। यानी दो मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही यहां पर अपन जैसे ही हम ऐसे चलते हैं या दो चीज आपस में रिलेटिव मोशन करती है, यानी एक दूसरे के ऊपर फिसलने की कोशिश करती है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि दुनिया में कोई सी भी सरफेस, हाँ स्टूडेंट, दुनिया में कोई सी भी, ठीक है, हाँ, तो दुनिया में कोई भी सरफेस एकदम स्मूथ नहीं है। तो दुनिया की एक सरफेस कुछ इस तरीके से, दूसरे की कुछ इस तरीके से, और ये आपस में एक दूसरे के जो ब्लॉक्स होते हैं वो आपस में ऐसे फंस जाते हैं और फिर आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसी वजह से हम चल पाते हैं। देखिए, चलते समय यहां पर मेरा जो पैर है वो पीछे स्लाइड होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके स्पाइस जो होते हैं, यानी इसके को खांचे जो होते हैं, वो इस ग्राउंड की रफ सरफेस में फंस जाते हैं और इस वजह से हम पीछे स्लाइड नहीं होके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स। टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, यानी रस्सी के अंदर। तो देखिए, जैसे मैंने क्या करा कि एक ऑब्जेक्ट को दूर बांध के और मैंने इसके ऊपर रस्सी के ऊपर एक फोर्स लगाया इस तरफ, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहां तो मैं रस्सी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन वहां देखेंगे तो रस्सी उसके ऊपर फोर्स लगा रही। तो रस्सी जो फोर्स लगा रही होगी या रस्सी के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, डोरी के अंदर का तनाव बल। अब अगला आ जाता है बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट। अब हमने एक चीज देखा कि सर नट है और वो यहां से जैसे ही मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूं, गोल घुमाता हूं, तो वो नट जो है वो इसके ऊपर आराम से स्लाइड होकर ऊपर यहां तक। अब फिर सर वापस से स्लाइड होकर फिसल करके नीचे क्यों नहीं आता, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वही नट जो बहुत अच्छे से किसी स्क्रू होता है ना, कि लकड़ी के अंदर कोई स्क्रू कितने आसानी कितनी तेजी से अच्छे से उसके अंदर चिपक जाता है, बाइंडिंग हो जाता है, चिपक जाता है, तो उस फोर्स को यहां पर बताया गया है। अगला है बॉयंसी फोर्स इन फ्लूइड। हम देखते हैं ना कि जैसे हम पानी में किसी चीज को अगर हवा में उठा रहे हैं तो वो ज्यादा भारी महसूस होती है, लेकिन जब उसी जैसे एक पत्थर को हमने हवा में उठाया तो वो भारी महसूस होता है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर है तो वो हल्का महसूस होता है। यानी पानी की बाल्टी जो होती है, जब तक कुएं के अंदर या पानी के अंदर होती है तो हमें हल्की महसूस होती है, लेकिन पानी के बाहर निकालते से ही वही चीज भारी हो जाती है। तो दैट इज द बॉयंसी फोर्स, फ्लूइड लगाता है बॉयंसी फोर्स। फिर विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स में बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि मैंने क्या करा, एक टेबल पे शहद की दो चार बूंदें गिरी, पानी की दो चार बूंदें, जैसे ही इसको टिल्ड करता हूं तो पानी की बूंद बड़ी तेजी से जाएगी जबकि शहद की बूंद वहां पर नहीं चल पाएगी या बहुत धीरे धीरे फिसलेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो शहद के पार्टिकल है उनके बीच में विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कस फोर्स ज्यादा है, और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में विस्कस फोर्स कम है। तो हम इसकी भी स्टडी करते हैं, इस विस्कस फोर्स की। फिर एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है कि जैसे मैंने पानी को कांच के ऊपर डाला तो कांच की बूंदें पानी के ऊपर चिपक जाती है, लेकिन वहीं पर अगर मैं मर्क्यूरी को अगर कांच के ऊपर डालूंगा तो वो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं चिपकती, क्योंकि पानी और कांच आपस में क्यों चिपक गया, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, एडहेसिव फोर्स। इसी तरीके से गम काम करता है, इसी तरीके से टेप काम करता है हमारा। नेक्स्ट इंटर एटोमिक फोर्स, यानी एटम के बीच में किस तरीके से फोर्स काम करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन किस वजह से आपस में चिपके हुए हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम देखते हैं कि जैसे ही अपन क्या करते हैं कि जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे एक चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो गोल गोल घूमने लगता है। इसी की वजह से हमने टेक्नोलॉजी बनी हमारे फैन, हमारी मोटर्स। तो ये बहुत सारे, अगर इसी तरीके के सारे फोर्सेस को लिखा जाए तो काफी सारे फोर्सेस हो जाएंगे और हमको सबकी इनकी स्टडी करना है। अब लेकिन एक रूल याद कीजिए जो हमने लास्ट क्लास में आपको, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स बेसिकली क्या चाहता है, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम नाम ढेर सारे टाइप के रख दिए लेकिन इन सब के पीछे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमको एक सिंगल रीजन मिल जाए या सिंगल फोर्स मिल जाए। हो सकता है इन सारे फोर्सेस का एक ही कारण हो, एक ही फोर्स हो, और हमने नेचर में अलग अलग फिनोमिनास थे, अलग अलग जगह पे दिख रहे थे तो अलग अलग जगह पे दिख के इनके अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन पता चले यार ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों तो एक ही है। तो हम ये यूनिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं और हमने इस तरीके से देखा, तो हमने देखा आज तक हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बेसिक फोर्स मिल जाए हमको जिसकी वजह से हम सभी चीज को एक साथ, इन सारे के सारे फोर्स को एक ही फोर्स से एक्सप्लेन कर दें। लेकिन अभी तक हम ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाए। तो हमारा फिर दूसरा तरीका क्या रहता है कि हम भाई सिंगल नहीं कर पा रहे हैं तो हम कम से कम कर दें, और इसी तरीके से हम इन फोर्सेस को कम से कम फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो कम से कम फोर्स जो कन्वर्ट करा तो हमने चार बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आज तक जानते हैं। और आज तक हम जितने भी दुनिया में जितने भी टाइप के फोर्स देखते हैं वो यही चार टाइप के बेसिक फोर्सेस होते हैं, यही चार टाइप के बेसिक फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, सबसे फर्स्ट है ग्रेविटेशन फोर्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ वन इज, अच्छा इसको एक और नाम से हम बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार टाइप के फोर्सेस होते हैं और पूरे नेचर में आज हम जितने भी फिनोमिनास देखते हैं उन फिनोमिनास में इन्हीं चार में से कोई ना कोई एक फोर्स बेस में काम कर रहा होता है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, अभी प्रीवियस में यहां पर समझिए। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स बेसिकली कौन सा है, ठीक है, तो ये तो ग्रेविटेशन का फोर्स है। फिर उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, टेंशन इन स्ट्रिंग्स ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नट बोल्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बोयंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। और फिर यहां पर ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एडहेसिव फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंटर एटॉमिक फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो देखा हमने, अब यहां पर नो टाइप के अलग अलग फोर्सेस लिखे थे जो अलग अलग फिनोमिनास पे काम कर रहे थे, लेकिन इन सारों को केवल हम दो फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन फोर्स एंड अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सारे के सारे यही दो टाइप के फोर्सेस है, ठीक है। तो इस तरह से नेचर में हमारे पास चार ही फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं और वो चार फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में दूसरी सबसे बड़ी बात क्या आती है कि सर ये चारों के चारों फोर्स का नेचर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे काम करते हैं, इसे हम लोगों को देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहां पर हम इन सारे फोर्सेस का हम एक कंपैरिजन करना चाहते हैं और ये याद रखिए कि यही बेसिक फोर्सेस से कब कौन सा फोर्स लगेगा। जब आपको सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि कब कौन सा फोर्स होगा तब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर ये ग्रेविटेशन का फोर्स कब लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा। चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए यहां पर कुछ टेबल इस तरीके से मैंने बनाई है, इस तरफ चारों फंडामेंटल फोर्सेस के नाम लिखे, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर यहां पर ये फोर्सेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे कि सोर्स मतलब इन फोर्स को क्रिएट कौन करेगा, एक्शन ये फोर्स किसके ऊपर काम करते हैं, तीसरा नेचर मतलब नेचर का मतलब यहां पर क्या है कि ये फोर्स अट्रैक्शन के फोर्स हैं या रिपल्शन के फोर्स हैं, रेंज इनकी रेंज कहां तक होती, कहां तक ये काम करते हैं, फिर कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ इनकी ताकत कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, और इनके एग्जांपल्स। चलिए तो सबसे पहले अपन ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का फोर्स जो है उसका सोर्स कौन है, कौन ग्रेविटेशन बनाता है, तो याद रखिएगा हर एक मास बॉडी क्या बनाएगा, ग्रेविटेशन।
इसका मतलब समझिए कि जिस भी बॉडी के पास मास है वो कौन सा फोर्स बनाएगा, ग्रेविटेशन। सोचिए जैसे इसके पास मास है, ठीक है, अब इसके पास मास है और यहां पर समझिएगा कि जैसे अपन ये दोनों के पास मास है, इसका मतलब था इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, तो क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स बना रहे? हाँ। क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स बना रहे? हाँ। सर दोनों एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशन का फोर्स, इसका नेचर लिख देता हूं, ये फोर्स कैसा है, तो ये फोर्स है अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। बोले सर अट्रैक्ट करेगा तो चिपक क्यों नहीं जा रहे, ठीक है, जैसे ये नीचे क्यों गिर रहा है? तो अब समझिए इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, लेकिन ये दोनों ही सब्सटेंस कहां है, अर्थ के पास, अर्थ के पास भी मास है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशन। इसी वजह से जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूं तो ये इस कैंची की तरफ ना जाकर, इस सीजर की तरफ अट्रैक्ट ना होकर नीचे की तरफ जा रहा है। बात सभी को समझ में आई, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स याद रखिएगा, मास बॉडीज इसको प्रोड्यूस करती है और ये एक्शन भी किसके ऊपर करता है, मास के ही ऊपर। बात समझ में, यानी अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो किसको अपनी तरफ खींचेगी, अर्थ के पास ग्रेविटेशन फोर्स है, किसे अपनी तरफ खींचेगी, उस ये हर उस चीज को खींचेगी जिसके पास मास है। क्या ये लाइट को अपनी तरफ खींच सकती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइट ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास, या लाइट वेव नेचर होता है जिनके पास मास नहीं होता है, तो इसलिए अर्थ जो है वो लाइट को अपनी तरफ नहीं खींच सकती है। क्लियर, यानी मैं टार्च को जब आसमान में ऐसे उल्टा करके ऊपर चढ़ाऊं तो ये ऊपर ही ऊपर जाते जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि जैसे इस पैन को मैंने ऊपर फेंका तो ये वापस नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि जैसे इसको ऊपर फेंका तो इसके पास मास है, अर्थ ने इसे अपनी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स के जरिए खींच लिया। लेकिन जैसे हम लाइट को ऊपर की तरफ डायरेक्शन में छोड़ते हैं तो लाइट कभी वापस नहीं आती, रीजन, क्योंकि लाइट के पास क्या नहीं है, मास नहीं है। अगर उसके पास मास नहीं है तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं अप्लाई कर सकती। तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स का सोर्स जो है वो मास बॉडीज है, काम भी किसके ऊपर करेगा, मास के ऊपर, और ये हमेशा फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन का, ये हमेशा चीजों को खींचेगा, रिपेल नहीं करेगा। फिर इसी तरीके से इसका रेंज कितना होता है, तो इसका रेंज होता है इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसका रेंज इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा दूरी तक काम करता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करता है। हम देखते हैं ना कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भाई दो स्टार्स के बीच में, हमारी जो अर्थ है 1,00,000 किलोमीटर दूर से इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो ये इतनी बहुत ज्यादा वाइड रेंज तक काम करता है ये फोर्स। फिर कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ, तो बेटा ये है वीक फोर्स। अब ये याद रखिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स एक वीक फोर्स है, लेकिन बहुत ज्यादा, सर ये वीक फोर्स है लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्पेट है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है हर जगह पर, हमें ग्रेविटेशन यूनिवर्स के हर एक प्लेस पर हमको ये ग्रेविटेशन फोर्स देखने को मिलता है, बट फिर भी ये वीक फोर्स है। कैसे वीक फोर्स है समझिए, जैसे ये, अब ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अब यहां पर मेरे पास ये पेन, ये थोड़ा सा मैग्नेटिक पेन है, अब जैसे ही मैं इसको ऐसे टच करके ये, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसे ऐसे करके मैंने ये, अच्छा ये इससे चिपक गया, इसका मतलब क्या है कि पूरी अर्थ भी मिलके इस केची को नीचे की तरफ नहीं खींच पा रही, इस अकेले मैग्नेट ने इसको, इसका मतलब इसने अर्थ को हरा दिया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स इस पेन के मैग्नेट वाले फोर्स से वीक है ना, इतनी बड़ी अर्थ भी इस केची को नीचे नहीं खींच पा रही है और मैग्नेट, एक छोटे से मैग्नेट ने इसको खींच लिया, ठीक है। तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, एक वीक फोर्स है, लेकिन बहुत ज्यादा फैला होने की वजह से हमें दूर दूर तक नजर आता है। इसके एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल्स है, यहां पर कई सारे एग्जांपल्स अपन लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार टू प्लैनेट्स के बीच में ये फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, कि हर स्टार्स और प्लैनेट, मतलब हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड अगर गोल गोल घूम रही है तो Because of gravitation force. I hope so, ये force अपने को बहुत अच्छे से clarify के साथ समझ में आया होगा। Now next, electromagnetic force. अब electromagnetic force जो है, इसका source क्या है? Electromagnetic force कौन create करता है? तो यहाँ पर है हर charge particle. अब charge particle, ठीक है, ऐसा कोई भी जिसके पास charge particle हो, तो वो electromagnetic force बनाते हैं।
अच्छा, फिर चार्ज ने अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये फोर्स भी किसके ऊपर लगाएगा? तो ये अदर चार्ज पार्टिकल के ही ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब ये फोर्स कैसा होता है? तो ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन का भी फोर्स लगाता है। यानी अब ये अट्रैक्शन कब करेगा? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर एंड बोथ आर सेम सिमिलर चार्जेस कैन रिपेल टू ईच अदर। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक अट्रैक्शन के साथ साथ एक रिपल्शन का भी फोर्स है। अच्छा, इसकी भी रेंज क्या है? तो इसकी भी रेंज होती है इंफिनिटी, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये भी फोर्स काम करता है, इसकी रेंज। तो ये वाला जो फोर्स होता है, ये फोर्स जो होता है 10 टू द पावर 27 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर होता है किससे? देन ग्रेविटेशन फोर्स, यानी ग्रेविटी के फोर्स से 10 टू द पावर 27 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा। इसके एग्जांपल्स, अब इसके एग्जांपल्स क्या है कि जैसे जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे होता है ना चौक वाला बोर्ड, अच्छा चौक वाले बोर्ड को जैसे अपन ऐसे लिखते हैं तो उसके जो चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बोर्ड पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, और जिसी की वजह से आप हम उसके साइन उसके मतलब लैंग्वेज लिख सकते हैं उसके ऊपर, और वो किसकी वजह से हो पा रहा है? तो दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जांपल अभी हाल हमने वहां पर देखा था, फ्रिक्शन फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये टाइप के। गॉट इट? बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट टाइप के फोर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर मतलब ये फोर्सेस एटम के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस के भी अंदर लग रहे हैं। तो ये किसके बीच में लगेगा? तो ये फोर्स लगते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में। न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स होते हैं वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ये काम भी किसके ऊपर करेगा? तो बिल्कुल ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स के ही ऊपर काम करेगा। अच्छा, अब ये तो ये वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन का भी फोर्स है, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। अच्छा, अब इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो है और इसकी रेंज जो होती है वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, बहुत छोटी रेंज में। बहुत छोटी रेंज का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर, यानी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम कर रहा है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब एटम का साइज 10 टू द पावर 15 फेमटोमीटर में होता है, तो इसी वजह से इसकी रेंज ही कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 15। अच्छा, कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ, तो दिस इज द 10 टाइम्स, ये 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है, ये 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है किसके? देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, बात सभी को समझ में ही। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो इसके एग्जांपल्स हैं ये बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। इसका मतलब सोचिए कि आज हम जानते हैं ना कि सर न्यूक्लियस के सेंटर में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, और वो प्रोटॉन्स जैसे आज आज अगर अपन बात कर ले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8, इसका मतलब 8 प्रोटॉन है, यानी उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन, और 8 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हो रहा है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जो न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा है, जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरफ, इसकी तरफ। अच्छा, अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी क्या काम कर रहा है? तो ये भी न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच में ही काम करता है, ये इसका सोर्स है। अच्छा, काम किसके ऊपर करेगा? फिर से वही न्यूक्लियर पार्टिकल के ऊपर। अच्छा, अब ये तो ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन के साथ साथ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों टाइप का फोर्स है,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये इसकी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसका फोर्स कितना होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, तो ये सारे के सारा पार्ट जो है अभी वो अंडर रिसर्च है। मतलब अभी भी इसके ऊपर पूरी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ इसका यहाँ पर क्या है कि अभी इसके फिनोमिनास को नहीं खोजा गया है, ये अंडर रिसर्च है, अंडर रिसर्च है, इनके ऊपर काम चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये जो फोर्स थे इनको याद रखिएगा, कौन सा फोर्स कब लगता है, खास तौर पे ये कि जैसे ही अगर मास बॉडीज हैं तो आप ग्रेविटेशन फोर्स को याद रखिएगा, अगर चार्ज बॉडी है तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और न्यूक्लियस के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये पूरी दुनिया में यही चार टाइप के फोर्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ अब कंजर्वेशन लॉज, अब कंजर्वेशन लॉ का मतलब क्या होता है, बचाना। जैसे कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे नेचर में कुछ ऐसे लॉज है, कुछ ऐसे फिनोमिनाज है जिसको हम कभी बदल नहीं सकते या जिसकी क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते, जिसको खत्म नहीं कर सकते, और ये चार बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं कंजर्वेशन के। तो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है, इसका मीनिंग यहां पर क्या हो गया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी हम एनर्जी को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि एक लाइट क्या कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर के लाइट एनर्जी में बदल रही है, ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम एनर्जी को खत्म नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी। इसी तरीके से मास, जैसे अगर मैंने कार्बन का लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 16 और उसी को हम जोड़ेंगे तो टोटल मास ऐड हो जाएगा, यहाँ पर मास कहीं पर भी खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पूरे होल यूनिवर्स का इलेक्ट्रिक चार्ज फिक्स्ड है, हम उसके क्वांटिटी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैकेनिकल एनर्जी को भी हम कन्वर्ट नहीं कर, मतलब खत्म नहीं कर सकते, यही चीज है, वही एनर्जी कंजर्वेशन का एक दूसरा रूप है। मोमेंटम को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए, इन सारे को हम करने के लिए एक सिंपल सा एक 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 राइट कैसे कर सकते हैं, उसे लिख कैसे कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस नॉर बी डिस्टर्ब, अब इसमें आप वी कैन नॉट प्रोड्यूस मास एंड एनर्जी, या मास की बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस मास नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय मास, समझ में आया, वी कैन ओनली ट्रांसफर इट, एनर्जी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक चार्ज, वी कैन ओनली ट्रांसफर इट। तो ये इन चारों कंजर्वेशन लॉ को एक सिंपल वे में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये इसका एक रूपरेखा तैयार की, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ सकते हैं यूनिवर्स प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम। चलिए, यूनिवर्स का प्रिंसिपल क्या है, पूरा ब्रह्मांड किस सिद्धांत पे काम करता है, एवरी सिस्टम विश टू अचीव कंडीशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी एंड इट विल ऑलवेज टू एक्ट टू रीच इट। देखिए, अब इसका मीनिंग यहां पर क्या है कि पूरे इस यूनिवर्स का एक सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल लॉ क्या है, जिसके आधार पर सब पूरी दुनिया काम कर रही है, पूरा हर एक पार्टिकल हर एक मास बॉडीज काम कर रही है, और ये लोग क्या है कि वो हर एक मास बॉडी हर एक पार्टिकल हर एक एनर्जी वाली चीज क्या कोशिश करती है कि हमारी एनर्जी सबसे कम हो। देखिए, जैसे मैंने पानी को जैसे एक पहाड़ पर से बह करके वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि पहाड़ पे हाइट ज्यादा है तो हाइट से MGH पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और नीचे एनर्जी कम है, तो पानी कोशिश क्या कर रहा है कि मेरी एनर्जी सबसे कम हो, वो हमेशा नीचे आने की कोशिश कर। मैंने और गड्ढा बना दिया तो पानी को अगर मैं गड्ढा खोद करके डालते जाऊंगा तो पानी कहाँ जाना चाहेगा, जहां पर सबसे कम एनर्जी हो, और दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जाना चाहेगा। तो ये है कि हमारा सारा सिस्टम अपने आप, जैसे ये पेन भी अब नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर अर्थ से इसकी हाइट है, MGH इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को लोएस्ट कम से कम करना चाहता है, तो हाइट को कम से कम करना चाहेगा, इसलिए नीचे की तरफ गिरना चाहेगा,
क्लियर। हर एक चीज पूरा, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, सारा का एक ही बेसिक रूल है, दे हैव अचीव लोएस्ट एनर्जी, सब लोएस्ट एनर्जी अचीव करना चाहते हैं। क्लियर। अ प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री को समझिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड सिमेट्रिकल, नॉट अफेक्टेड बाय द टाइम एंड स्पेस। अ प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिक, देखिए जैसे अब हम लोगों को एक चीज मालूम है कि ग्रेविटी, दो मास बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब अट्रैक्ट करेंगी तो भैया ये वाला रूल जो है ये आज भी है, कल भी है, जब हम इंसान नहीं थे तब भी ये रूल था, ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स हम हो नहीं हो पूरे यूनिवर्स में एक जैसा काम करेगा, चलते रहेगा। लाखों साल पहले हम देखते थे, लाखों साल इंसानों के जन्म से पहले भी सनराइज होता था, सनसेट होता था, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही थी, आज भी घूम रही है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री है, यानी ये टाइम और स्पेस जगह के साथ नहीं बदलते हैं। तो जो ग्रेविटेशन का फोर्स है अर्थ पे भी सेम काम करेगा, हम स्पेस में चले जाए काम करेगा, हम दूसरे प्लेनेट पे चले जाए काम करेगा, हम इस गैलेक्सी के बाहर चले जाए, हम दूसरी गैलेक्सी में जाए, तब भी ग्रेविटेशन का फोर्स सेम होगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं नेचर के, जो लॉज होते हैं, वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते हैं टाइम के साथ और जगह का। ऐसा नहीं होगा कि टाइम के साथ फोर्स बदल जाएंगे, लॉज बदल जाएंगे, नहीं, टाइम और स्पेस के साथ में ये नहीं बदलते। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा फिजिकल वर्ल्ड वाला टॉपिक जो है, यानी फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पढ़ेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।